गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो बनुआ मत भैया यहाँ भक्ति का अनुष्ठान चल रहा है, सब झूमते झूमते गाओ साहब, भगवान गोवर्धन का पूजन भोग लग रहा है। आज मैं तब गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो मनवा मत गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो मनवा इतना देरी विलंब के वजह है कुछ कोई बात नहीं, संतुष्टि से आराम से प्रेम से प्रेम से प्रेम से आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुनिए, भगवान ने अपना एक रूप लिया गोवर्धन महाराज पे स्थगित कर दिया और एक रूप से पूजन कराए जा रहे हैं और एक रूप से महाराज पूजन कर रहे हैं। अब खुद ही खावे, खुद ही पुजावे और खुद ही पूजे, ये कंडीशन भगवान की है साहब। अरे सात शेर की करूं कढ़ाई, आठ शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, आठ शेर की करो रे कढ़ाई। हाय मैं तो रोचे रोचे भैया, मैं तो रोचे रोचे बहना, मैं तो रोचे रोचे भोग लगाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन धन बेटा जाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनुआ।
इतना वहां घेरा नहीं, दो दो चार चार माताएं और एक एक परिक्रमा लगा करके आप अपनी अपनी जगह पर बैठते जाएं। लेकिन ध्यान रखना, जिसे प्रसादी खिलाओ दक्षिणा जरूर दे दियो, हम में और नहीं तो बगैर दक्षिणा के भोजन का अस्तित्व क्या है। तो ध्यान रखो साहब, हाँ मिंजा से दक्षिणा पित्तो जो कुछ है सो है ही। तो सामग्री लाए दे माताएं पूजन करें, और जो नाय लाई है मन को छोटा मत करें, देव पूजन करें सब लोग, है ना। हाँ, पुष्पों से, मन से, दक्षिणा से, भावना से ध्यान रखेंगे, लेकिन घेरा मत लगवाओ महाराज जी, पूजन करो तुम बताओ। हाँ, टाइम कम है, कथा ज्यादा है, तो थोड़ी शीघ्रता हो जाएगी। अरे गिरी गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, अरे गिरी गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, अरे गिरी गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, 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 विराज तेरे माथे मुकुट विराज, अरे गिरी गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, अरे गिरी गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तुपे 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 चढ़ती दूध की धार महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। परीक्षित जी के जितने घर वाले बच्चे हैं, बच्चों की पत्नियां हैं, जितने भी हैं, पूजन करने के लिए सब आ जाएं। जो भी सदस्य परीक्षित जी के परिवार के हैं वंचित न रहे पूजन से। हालांकि ये दायित्व तो सबका है, लेकिन विशेषकर उन लोगों के लिए। फिर आपकी जो इच्छा है साहब, कहना हमारा अपना भाव है। अरे गिरी गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरी थोड़ी पे, तेरी थोड़ी पे हीरा लाल महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पूजन में विलंब मत करिए, थोड़ी शीघ्रता करिए। जो माताएं पूजन के लिए रह गई हैं, जल्दी जल्दी चले अपना पूजन करें, फिर भाइयों को, भाइयों की बारी आएगी।
पहुंचे गोवर्धन का पूजन करने के लिए जो सामग्री से वंचित है और वो अपना दक्षिणा से पूजन करना चाहते हैं वो निकले और जो भाइयों को पूजन करना है वो भी पूजन करें। साथ में हम अपनी कथा को आगे लेके चलें। जिसे भी पूजन करना है पूजन करिए, भाव है।